स्वच्छ भारत के अभियान लगातार कई वर्षों से पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में 13 नवंबर को प्रधानमंत्री दरभंगा में एम्स शिलान्यास करने दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा नगर निगम की साफ सफाई पर भी उन्होंने चर्चा किया। इन्होंने भाषण देने के क्रम में कहा कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा चलाया गया स्वच्छ शहर अभियान की प्रशंसा की और सफाई कर्मियों की योगदान को सराहते हुए इन्होंने कहा कि उनके समर्पण हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान को 10 दिनों तक विस्तार करने को कहा। इसी के आलोक में 14 नवंबर को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में संबंधित सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और एवं इस सफाई अभियान को दिनांक 20/11/24 तक विस्तार करने का आदेश दिया। आपको बताते चले कि स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है वो पूरे देश में चल रहा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स शिलान्यास क्रम में दरभंगा नगर निगम के साफ सफाई अभियान की चर्चा की तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। आइए सुनाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को अपने संबोधन में दरभंगा नगर निगम के संबंध में क्या बातें कही। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। और मुझे पता चला अभी कि दरभंगा के इस कार्यक्रम की बात होने के बाद यहाँ हमारे मुख्य सचिव जी ने खुद ने नेतृत्व किया और दरभंगा में सफाई का अभियान पिछले 3-4 दिन चलाया। मैं उनका और बिहार सरकार के सभी कर्मचारी बंधुओं का और दरभंगा के नागरिकों का इस स्वच्छता अभियान को ताकत देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि आगे 5-7-10 दिन भी इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाया जाए।